बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लेड। लेड जिसका सैम्बल पीपी या जिसको उर्दू ज़बान में हम शीशा कहते हैं, ये पॉइजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आर्सेनिक की दो पॉइजनिंग होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, लेड की भी दो पॉइजनिंग होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। सबसे पहले लेड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन को पढ़ लेते हैं। जो लेड की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंजेशन, इनहेलेशन या डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है। बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने आर्सेनिक करके पढ़ा था, जैसे कि ये इनहेलेशन से भी एंटर हो सकता है या फिर ओरल रूट से या स्किन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि कैपिलरीज और आर्टरियोल इनकी स्पैज़म करवा देता है, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा कैपिलरीज की और आर्टरियोल्स की। और जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो लेड की डेपोजिशन की वजह से देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली ब्रेन के अंदर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो कैपिलरीज का स्पास्टिक और आर्टरियोल की स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड अपने फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाता है। लेड की दो पॉइजनिंग है, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक के अंदर एक वर्ड यूज होगा जिसको बोले कि प्लम्बिज्म, सैटर्निज्म एंड सैटरिन पॉइजनिंग, जिसके अंदर आपने फेशियल पैलर एनीमिया वगैरह को पढ़ना है। एक्यूट लेड पॉइजनिंग को कवर कर लेते हैं। एक्यूट लेड पॉइजनिंग के स्पेसिफिक सिप्टम होते हैं, हर सिस्टम के ऊपर इसके स्पेसिफिक साइन सिप्टम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल GIT के ऊपर क्या आएगा कि सबसे पहले इसका मेटालिक टेस्ट होता है, ड्राई थ्रोट और थर्स्ट, ये तकरीबन तमाम जो है ना हमारे मेटालिक पॉइजन है उनमें कॉमन है। नोजिया वॉमिटिंग होगी, लेकिन नोजिया वॉमिटिंग के साथ कोलिक लाइक एबडोमिन पेन होता है। कोले क्या होता है, जैसे यूरेटर के अंदर उसके स्मूथ मसल की स्पैज़म, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो फिर कोले की पेन होता है स्कीमिया की वजह से। तो उस कोलिक लाइक पेन को बोलते हैं हम कोलिक, ठीक है, या कोलिक की पेन या बर्निंग पेन, वैसे बर्निंग पेन ही कहेंगे। इसके अलावा आपको डायरिया भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी होगी क्योंकि स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आ सकती है, स्टूल आगे पास नहीं कर पाएंगे, स्टूल ब्लैक हो गए और उनकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा गंदी होगी क्योंकि लेड सल्फाइड होते हैं। ब्लैक रंग के क्यों होगी, क्योंकि लेड सल्फाइड FeS वाला कंपाउंड ब्लैक होगा। आपने क्या क्या याद रखना है, GIT सिप्टम के अंदर मेटालिक टेस्ट को याद रखना है, कोलिक लाइक एबडोमिनल पेन को, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होती है। ब्लैक स्टूल्स होगे क्योंकि फेरिक नहीं, लेड सल्फाइड होगा, ओके। लेकिन जो GIT के सिप्टम होते हैं वो एब्सेंट होगे जब आप टेट्राएथाइल लेड यूज करोगे, ठीक है। अगर आप फ्री फॉर्म में लेड को यूज करोगे तब आपको ये साइन सिप्टम देखने को मिलेगा, लेकिन जो टेट्राएथाइल लेड होता है जिसको आप अल्काइलेटेड लेड बोलते हो क्योंकि इसके अंदर आपने चार इथाइल ग्रुप ऐड किए हुए हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर मसल्स के अंदर क्रैम्स होगा, वही आर्टरियोल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लिम्स के पैरालिसिस भी देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिकली अगर उनकी नर्व को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। CNS के अंदर लेड एनसेफेलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट्राइथाइल लेड पॉइजनिंग की वजह से ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें बंदे को सर में दर्द होगा, हेडेक है, स्लीपलेसनेस है, आइज का ट्रैमर होता है, माउथ और फिंगर के मसल्स का भी ट्रैमर होता है, ठीक है, लॉस ऑफ विजन होती है, हेलोसिनेशन होती है, डिलीरियम होती है, कन्वल्जन होते हैं। ये CNS सिप्टम जो कि टेट्राइथाइल लेड की पॉइजनिंग की वजह से होते हैं उनको बोलते हैं लेड एनसेफेलोपैथी। फाइनली बंदा कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स होने के बाद बंदा मौत की तरफ चला जाएगा। फेटल डोज 20 ग्राम होती है और लेड कार्बोनेट की होती है 4 ग्राम, 20 ग्राम होती है लेड एसिटेट की और लेड कार्बोनेट की 4 ग्राम होती है, जबकि टेट्राइथाइल लेड की तकरीबन 1 से लेकर 2 ड्रॉप वही काफी है किसी बंदे को मौत की नींद सुलाने में। फेटल पीरियड में तकरीबन कहते हैं कि फेटल पीरियड इसका काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो एक्यूट पॉइजनिंग से डेथ रिलेटिवली रेयर होती है, जो डेथ होगी वो सेकंड या थर्ड डे पे जाके होगी। ट्रीटमेंट करते देखते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने पॉइजन को निकालना है बाहर, तो आप गैस्ट्रिक लेवेज यूज करोगे, स्टोमक को वॉश करोगे, जो सोल्यूशन यूज करोगे मैग्नीशियम या सोडियम सल्फेट, ठीक है, और फिर आप उसको वाटर से वॉश आउट करेंगे ताकि लेड सल्फाइड या लेड सल्फेट बॉडी से निकल जाए। कोली की पेन, स्पास्टिक पेन है, तो उसके लिए आप मॉर्फिन और एट्रोपिन यूज करते हो। ऐसी डाइट जिसमें मिल्क काफी ज्यादा है, कैल्शियम है, वाइटामिन डी है, अगर आप वो यूज करोगे तो फिर उसके अंदर कैल्शियम होगा, वो कैल्शियम लेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो आगे उनको बचा लेगा, लेड की पॉइजनिंग को मिनिमाइज कर देगा। इसके अलावा कुछ चिलेटिंग एजेंट होते हैं, पेनिसिलामीन है, EDTA है, ये भी चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, कौन से एंटीडोट बोलते हो, फार्माकोलॉजिकल बोलते हो, फिजिकल बोलते हो, मैकेनिकल बोलते हो, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में दे देना। हीमोडायलिसिस अगर परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा जो टेट्राथाइल लेड को अगर स्किन के ऊपर अगर किसी ने स्प्लिट किया हुआ, स्किन के ऊपर फेंका हुआ, तो आप किसे वाश करोगे, कैरोसिन से वाश करोगे, ठीक है, ताकि उसकी पॉइजनिंग कम से कम हो। गैस्ट्रिक लेवेज आपने यूज करना है, कोले की पेन के लिए आपने मॉर्फिन इट्रोपिन है, डाइट यूज करनी है, चिलेटर एजेंट यूज करने हैं, ओके। टेट्राथाइल लेड के केस के अंदर आपने कैरोसिन से वाश आउट करना है।
पोस्टमार्टम फाइंडिंग या ऑटोप्सी फाइंडिंग में देखें तो आपको जीआईटी की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की अल्सरेशन और कंजेशन देखने को मिलती है। सबसे जो टिपिकल इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक कलर फेसिस, क्योंकि ये जो लेड सल्फाइड होता है पीबीएस, इसका कलर काफी ब्लैक होता है। ठीक है, अब क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को अगर कुछ ज्यादा लेड यूज कर लिया तो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को हम बोलते हैं प्लम्बिज्म या सैटर्निज्म या सैटोराइन पॉइजनिंग। ओके, मेनली कहते हैं कि जो लेड की पॉइजनिंग होती है वो हमेशा क्रॉनिक टाइप की होती है। क्या हो गया, इंजेशन है, इनहेलेशन है, या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन होती है। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल पैलर है क्योंकि वेजोस्पाजम हो जाती है, वेजोस्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है आर्ट्रियोल्स की स्पेसिफिकली अराउंड द माउथ। एनीमिया विद पंक्टेट बेसोफिलिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा, पोलीक्रोमेजिया, बहुत सारे मल्टीपल कलर, पोली का मतलब है मल्टीपल, क्रोमेजिया कलर से निकला है। पंक्टेट बेसोफिलिया, बेसोफिलिया हमारे बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, पंक्टेट ऐसा लगता है कि वो पंक्चर हुए पड़ेगा। रेटिकुलोसाइटोसिस वगैरह देखने को मिलेगी एनीमिया के नतीजे में, या पोइकिलोसाइटोसिस वगैरह, वेरियल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इसके अलावा मोनोन्यूक्लियर सेल का नंबर बढ़ जाता है, पॉलीमॉर्फ का काम हो जाएगा। पॉलीमॉर्फ के अंदर हमारे पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल आ जाती है, जबकि मोनो के अंदर लिम्फोसाइट्स वगैरह और ये सब चीजें देखने को मिलती है। बेसोफिल भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है पंक्टेट बेसोफिलिया। पंक्टेट बेसोफिलिया क्या होता है कि जो मल्टीपल स्मॉल पिन हेड लाइक ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। बेसोफिलिया का मतलब वैसे एक तो हम ये कह सकते हैं कि बेसोफिल का लेवल ज्यादा हो गया क्योंकि वो मोनोन्यूक्लियर होते हैं। दूसरा असल में इसका जो टिपिकल मतलब होता है कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर डार्क ब्लू कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, तो उनको पंक्टेट बेसोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होती है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लेड होता है ये जो पोरफायरिन वाले एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पेसिफिकली आपने सुना होगा ALA, अमाइनो लिवोलिनेट सिंथेस वगैरह एंजाइम। ठीक है, लेड लाइन ऐसा होता है कि जहाँ पे गम्स का टीथ के साथ जंक्शन होता है तो वहाँ पे ब्लूश ब्लैक लाइन बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो लेड सल्फाइड है इसके ग्रैन्यूल जमा होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आपको एक स्पेसिफिक ब्लू ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी, उस लाइन को बोलते हैं लेड लाइन। ओके, लेड लाइन। नेक्स्ट है कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन है कि इंटेस्टाइन है, यूरेटर, ब्लड वेसल्स के, मसल्स की स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो जाएगी। पैरालिसिस हो जाएगी एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट की, जिसको रिस्ट ड्रॉ बोलते हैं। पैरोनियल मसल की हो जाती है, उसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। तो आपने इन दोनों को याद रखना है, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, ये भी लेड की पॉइजनिंग में होती है। इंसेफलोपैथी आपको टेट्राथाइल लेड की पॉइजनिंग के केस में देखने को मिलती है। हेडेक होगा, कन्वर्जन होती है, मेंटल डिटोरिएशन हो जाएगा, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगा। रीनल की वैस्कुलर, जब रीनल वैस्कुलर होगी यानी जब किडनी की तरफ जो रीनल आर्टरी है उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम मिलेगा। जब ब्लड फ्लो कम से कम होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन करवा देगा। ठीक हो गया। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस भी देखने को मिल सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जिसको डिसमेनोरिया, इमेनोरिया, मेनोरेजिया वगैरह ये हो जाती है। इसके अलावा जो लेड है वो अबॉर्टिफेसियन भी अबॉर्शन वगैरह करवा देता है, या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के, या डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ट्रोफोब्लास्टिक एपिथीलियम किसी भी मैकेनिज्म के जरिए काम करे, लेकिन ये एक पोटेंट अबॉर्टिफेसियन कंपाउंड है। जनरल सिम्टम को छोड़ो, आप डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग एग्जाम में आ चुका है कि क्लिनिकली आप क्या देखोगे कि कोलिक देखोगे, कोलिक ही पेन होगा एब्डोमन के ऊपर, ब्लू ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी गम्स के ऊपर, एक्सटेंसर मसल की पैरालिसिस जिसको रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं, पैरोनियल मसल की पैरालिसिस जिसको फुट ड्रॉप बोलते हैं, हेंसेफलोपैथी देखने को मिल सकती है, जिनसे आप क्लिनिकली आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। लेबॉरेटरी के अंदर आपको 200 से ज्यादा पंक्टेट बेसोफिलिया देखने को मिलेंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर, या इसके अलावा यूरिन के अंदर 0.25 मिलीग्राम ऑफ लेड वगैरह देखने को मिलेगा। एक्सरे एग्जामिनेशन करें तो बोन्स के ऊपर, लॉन्ग बोन्स के ऊपर आपको ट्रांसवर्स ओपेक बैंड्स देखने को मिलेंगे। टेट्राथाइल लेड की पॉइजनिंग के अंदर लीवर भी ओपैक हो जाएगा। ट्रीटमेंट वही ईडीटी है, पर्सन को रिमूव करना है, जिलेटिन एचिंग इस्तेमाल करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर बोन मैरो के अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एरिथ्रोब्लास्ट का, ल्यूकोब्लास्ट का भी, और फैट सेल काफी ज्यादा कम हो जाती है बोन मैरो के अंदर, ही बोन मैरो की फाइंडिंग्स है। ठीक है, इसके अलावा आपने हेयर का, टीथ का, नील्स का, लॉन्ग बोन का सैंपल कलेक्ट करना है। मेडिको लीगल इसकी इंपॉर्टेंस, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के अंदर आपने तीन चीजें पढ़नी होती है, सुसाइडल, होमिसाइडल या एक्सीडेंटल। होमिसाइडल पॉइजन नहीं होता, ये एक्सीडेंटल होता है कि बाजू का बच्चे से एक्सीडेंटली इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा एक कैटल पॉइजन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। होमिसाइडल और सुसाइडल रिलेटिवली रेयर होते हैं, बहुत ज्यादा ना होने के बराबर। तो ये था लेड पी, जिसको पीबी या शीशा बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।